हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज नेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अजरबैजान कंट्री के बारे में। अगर आप इस कंट्री के अंदर इंडिया से ट्रेवल करने का प्लान करते हैं तो उस कंडीशन में आपको फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग और वीजा के लिए कितने पैसे खर्च करने होते हैं, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल से जानने वाले हैं। इसके साथ इस कंट्री से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग और काफी नॉलेजेबल फैक्ट आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, अजरबैजान कंट्री सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद बनाई गई, पर इसके बाद भी इस कंट्री के अंदर आज के समय काफी पॉपुलर सिटीज मौजूद हैं। इस कंट्री के अंदर यहाँ की कैपिटल सिटी को एक काफी मॉडर्न सिटी के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, आप जब भी किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर ट्रेवल करने का प्लान करते हैं तो उस कंडीशन में उस कंट्री के अंदर बोली जाने वाली लैंग्वेज के कुछ कॉमन फ्रेज आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। वैसे तो इस कंट्री के अंदर ज्यादातर लोगों को इंग्लिश बोलना और समझना आता है, पर इस कंट्री के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अजेरी लैंग्वेज को यूज किया जाता है और ये लैंग्वेज टर्किश लैंग्वेज से रिलेटेड है। अगर आप इस कंट्री के अंदर रूरल एरिया में ट्रेवल करने का प्लान करते हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ की लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है। अजरबैजान कंट्री को एक मुस्लिम कंट्री के रूप में देखा जाता है, पर यह देश एक सेकुलर कंट्री है। अजरबैजान देश आज के समय एक ऐसी कंट्री है जो इंडियंस को ई वीजा और बिजनेस वीजा दोनों ही प्रोवाइड कराती है। आप इस कंट्री के अंदर करीब 30 डेज के लिए ई वीजा ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो बिजनेस वीजा भी ले सकते हैं, और उस कंडीशन में आपको एक सिंगल एंट्री वीजा दिया जाता है जो करीब 3 मंथ के लिए वैलिड होता है। अगर आप इस कंट्री के अंदर टूरिस्ट वीजा या बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में आपको करीब 3-4 डेज प्रोसेसिंग टाइम के रूप में देने होते हैं, और इस वीजा के लिए आपको करीब 2000 से लेकर 3000 रुपीस तक देने होते हैं। आज के समय इंडिया से काफी सारी फ्लाइट इस कंट्री के अंदर जाती है। अगर आप चाहें तो इस कंट्री के अंदर डायरेक्ट फ्लाइट भी लेकर जा सकते हैं। इस कंट्री के अंदर आज के समय फ्लाइट टिकट करीब 18000 से लेकर 25000 के अंदर मिलते हैं। अगर बात की जाए इस कंट्री के अंदर मौजूद होटल कॉस्ट की, तो उस कंडीशन में आपको करीब 500 रुपीस के अंदर भी हॉस्टल देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही आप इस कंट्री के अंदर करीब 1000 रुपीस खर्च करके भी एक अच्छा होटल बुक कर सकते हैं। इस कंट्री के अंदर ट्रेवल करने के लिए आप इजीली टैक्सी हायर कर सकते हैं। इस देश के अंदर ज्यादातर टूरिस्ट उबर को यूज करना पसंद करते हैं। इसके साथ ही देश की कैपिटल सिटी के अंदर आपको मेट्रो भी देखने को मिलती है, तो आप मेट्रो का इस्तेमाल करते हुए भी यहाँ की पॉपुलर सिटीज के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं। अगर कोई भी फॉरनर इस कंट्री के अंदर टूरिस्ट वीजा लेकर जाता है तो उस कंडीशन में उसे अपना पासपोर्ट हमेशा कैरी करना होता है, और यहाँ पर मौजूद यहाँ की पुलिस आपसे कभी भी वो पासपोर्ट चेक करने के लिए मांग सकती है। इसीलिए अगर आप इस कंट्री के अंदर टूरिस्ट वीजा लेकर जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको अपना पासपोर्ट हमेशा कैरी करना चाहिए। आइए अब जानते हैं इस कंट्री से रिलेटेड कुछ काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। अजरबैजान कंट्री के अंदर एक मुस्लिम कल्चर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यह कंट्री अपने फूड के लिए काफी पसंद की जाती है, और आपको इस देश के अंदर काफी डिफरेंट तरह के फूड एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। अजरबैजान के अंदर मौजूद यहाँ की कैपिटल सिटी को एक क्लीन सिटी के रूप में देखा जाता है। इस सिटी के अंदर गंदगी करने पर आपको फाइन देना पड़ सकता है। यहाँ पर काफी सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं। अजरबैजान देश के अंदर आज के समय पैनकेक काफी खाए जाते हैं, और अजरबैजान देश के अंदर डिफरेंट तरीके के पैनकेक खाए जाते हैं, इसीलिए देश के अंदर पैनकेक को एक नेशनल डिश के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, चाय पीना काफी लोगों को पसंद होता है, और इस कंट्री के अंदर भी चाय काफी पी जाती है, और जब भी देश के अंदर कोई भी वेडिंग होती है तो उस कंडीशन में फैमिली से एक दूसरे को चाय बनाकर पिलाती है, और उस चाय के अंदर मौजूद शुगर लेवल के अकॉर्डिंग लड़के वाले और लड़की वाले दोनों अपनी बात रखते हैं। अगर चाय के अंदर शक्कर की मात्रा कम है तो उसका ये मतलब होता है कि वेडिंग के अंदर कुछ निगोशिएशन अभी भी बाकी है, या कुछ ऐसी डिमांड है जो अभी भी पूरी नहीं हुई है। दोस्तों, काफी लोगों को लगता है कि ये कंट्री एक काफी पुअर कंट्री है, पर अजरबैजान के अंदर कुछ सिटीज ऐसी हैं जिन्हें आज के समय काफी मॉडर्न सिटी के रूप में देखा जाता है, और इन सिटीज के अंदर आपको सभी मॉडर्न अम्यूनिटीज देखने को मिलती है। इसके साथ ही ये सिटी अपने बिजनेस सेक्टर के लिए काफी फेमस माने जाते हैं। अजरबैजान देश के अंदर आज के समय करीब 400 से ज्यादा मड वॉल्केनोस मौजूद हैं, जो एक तरह की डिफरेंट गैस रिलीज करते हैं, और इस कंट्री के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर हमेशा ही इस तरह की गैस एटमॉस्फेयर के अंदर रहती है। अजरबैजान देश के अंदर एक काफी यूनिक म्यूजियम मौजूद है, जिसे ईयर
2014 के अंदर बनाया गया था और इस म्यूजियम को आज के समय कारपेट म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर डिफरेंट तरह के कारपेट देखने को मिलते हैं और इस सिटी के अंदर आपको मैनमेड वाटरवे देखने को मिलते हैं जिसे टूरिस्ट काफी पसंद करते हैं। इसके साथ ही देश के अंदर एक और काफी यूनिक म्यूजियम मौजूद है और ये म्यूजियम अपने बुक कलेक्शन के लिए जाना जाता है। आज के समय इस म्यूजियम के अंदर एक ऐसी किताब भी मौजूद है जिसकी साइज करीब 2 mm की बताई जाती है और उस बुक को रीड करने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर किस कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।